I had my degree in allopathy. I did MD pediatrics and I was working there at Sitaram Bharti Institute of Science and Research. So then when I came here, I started working in a charitable project that we have here in the villages, serving about 12 villages. We have a free charitable mobile dispensary. And as I did that work, dealing with many different kinds of patients, and also then I was myself, I had a few health issues that I realized that there's so many things that allopathy cannot, tackle. And that's how I was introduced to Ayurveda as a patient. And then I started reading about it and learning. And so now we have an integrated center where we have a whole team. So we have a naturopath, we have Ayurvedic doctors, we have a psychiatrist, a psychologist. And so I'd like to share some of the health myths which I myself was not aware of, even as an MD. In modern medicine, which most people, if they know this very very basic facts, जो आयुर्वेद में हमारे जो वैद्य होते हैं वो घर में ही होते हैं कि आप ये सब करो तो आप बीमार ही नहीं होंगे, क्योंकि आयुर्वेद एक ये मिसनोमर है कि लोग सोचते हैं कि वो ट्रीटमेंट करने का कड़वी दवाई वगैरह है, बट आयु और वेद ये दो शब्दों से बना है. तो आयु तो हम जानते हैं हमारा जीवन, और उसका वेद उसका ज्ञान है. तो किस प्रकार जीना, जैसे एक यूजर मैनुअल मिलता है हमको, हम फोन खरीदते हैं उसके साथ ही, कैसे यूज करना ताकि खराबी ना हो, तो ये वैसे साधारण बातें हैं. तो पहला है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि न्यूट्रिशियस फूड होगा, अ फूड दैट्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स दैट विल ऑलवेज मेक अस हेल्दी. सो बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, डिफरेंट विटामिंस हैं, मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, तो आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, और दूध भी लेना चाहिए, नॉन वेज भी लेना चाहिए, फ्रूट्स भी लेना चाहिए, नट्स भी लेने चाहिए. बट दिस इज नॉट ट्रू. दैट इज अ हाईली न्यूट्रिशियस डाइट विल ऑलवेज मेक यू हेल्दी. दिस ट्रीटमेंट दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ये एक मिथ है. तो एक्चुअली बात क्या है कि यू आर नॉट व्हाट यू ईट, बट यू आर व्हाट यू अब्सॉर्ब एंड असिमिलेट. कि आप जो केवल जो खाते हो वो आप नहीं होते हो, या उससे आपका पोषण नहीं होता, लेकिन जो आप पचा पाते हो और फिर अंदर आप अपने शरीर में ले सकते हो. तो इसके जो बेसिक प्रिंसिपल है आयुर्वेद का, आई थिंक जिससे सब बीमारियों से हम बच सकते हैं, तो वो है हमारी अग्नि, जठराग्नि होती है. जैसे कि भगवद गीता में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम. कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी भूतों यानी कि सभी जीवों के देह में उस अग्नि के रूप में रहता हूँ जो चार प्रकार के अन्न को पचाती है. तो हमारे यहाँ एक संस्कृत विद्यालय भी चलता है, और मैं वहाँ बच्चों को ये समझा रही थी. तो मैंने कहा, आपको पता है ये श्लोक का क्या मतलब है? तो एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया, हाँ मुझे पता है कि मैं, भगवान कहते हैं कि मैं वो जठराग्नि रहता हूँ सबके अंदर, तो बेटा जो खाना है खा लो, मौज करो, मैं सब कुछ पचा दूंगा. तो ऐसा नहीं है ये, हम ज्यादातर वो तो बच्चे ने मजाक किया, लेकिन हम सभी ऐसा करते हैं कि भरपेट खाओ और फिर एसिडिटी हो तो हाजमुला से पचाओ. ऐसा नहीं है. अगर हम उस वैश्वानर अग्नि का मान सम्मान नहीं करते हैं तो हमें बीमारी होती है. तो थोड़ा इसके बारे में हम समझेंगे. तो जैसे हमने ये एग्जांपल लिया कि एक हम पतीले में चावल पका रहे हैं, तो उसमें नीचे अग्नि है, पानी है, पतीला है. वैसे ये हमारा पतीला है स्टमक, और इसके अंदर अग्नि क्या है, जो हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, हमारा पैनक्रियाटिक जूस है, बाइल जूस है, पेप्सिन है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सब हमारे एंजाइम्स अग्नि हैं. और यहाँ हवा भी चाहिए इसको. तो हमारे पेट में एक समान वायु होती है, जो पांच प्रकार की शरीर में वायु बताई गई है, जिसके कारण मूवमेंट होता है. तो जो पेरिस्टाल्सिस होता है हमारे इंटेस्टाइन में, खाना आगे जाता है, तो वो समान वायु का कार्य है. तो ये सब में बैलेंस होना चाहिए, तभी हमारा डाइजेशन अच्छा होगा. डाइजेशन अच्छा होगा तो सात हमारे टिश्यूज बताए गए हैं आयुर्वेद में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र. तो उसको प्लाज्मा, रक्त आप जानते हैं, मांस, मेद मतलब फैट, अस्थि हड्डी, मज्जा मतलब हमारा नर्वस टिश्यू, और शुक्र हमारा सेक्सुअल फ्लूइड. तो ऐसे सात क्रमशः सीक्वेंशली ऐसे सात टिश्यूज बनते हैं. अभी ये तो है जब हमारा पाचन अच्छा हो. सबसे पहला धातु है रस धातु, और पाचन अच्छा नहीं होगा तो वो ठीक से नहीं बनेगा. ये हमारा देख सकते हैं, ये कोलोनोस्कोपिक इमेज है. कोलोनोस्कोप नीचे से रेक्टम में से हमारे कोलन में दूरबीन जाके डाल के एंडोस्कोप डाल के टेस्ट करते हैं. तो ये आप देख रहे हो कि नॉर्मल इंटेस्टाइन है,
तो इसकी आप देख रहे हो वॉल बहुत साफ है और ये इसका म्यूकोजा है. अभी ऐसा ये एक लेडी है जो 35 साल की, उनको हेडेक्स होते हैं और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, हमेशा बस थकान थकान लगती है, काम करने की इच्छा नहीं होती. तो आप देख रहे हो एक चिकना पदार्थ है पीला पीला सा, वो चिपका हुआ है उसकी परत में. ये है वो आम. जो हम खाना खाते हैं वो पचता नहीं है तो वो सड़ता है अंदर. जैसे पतीले में हमने कुछ खाना पकाया और नीचे अग्नि नहीं है. ये एक और पेशेंट है, डायबिटीज और मोटापा है, जॉइंट पेन्स हैं. आप देख रहे हैं कीड़े अगर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये जो ग्रूमिंग हो जाते हैं, जैसे कहीं पे भी गंदगी होती है, गंदा पानी इकट्ठा होता है, तो उसमें कीड़े मच्छर फंगल सभी कुछ उत्पन्न होता है. अगर साफ होता है तो फिर उसमें ये सब उत्पन्न नहीं होता. इसलिए अगर हमारे शरीर में आम है यानी कि अपच के कारण टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं तो हमें कोविड या कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ये एक और लेडी है जिनको एस्मा था और आप देख रहे हो एलर्जीज और इसमें भी आम है. इनको अरिथमिया यानी कि अबनॉर्मल हार्ट बीट, एथेरोस्क्लेरोसिस और हाई ब्लड प्रेशर, इनमें पॉलिप्स हैं, इसे गांठे गांठे सी बन जाती है म्यूकोजा में इंटेस्टाइन के. ये लेडी को ब्रेस्ट कैंसर और इनको हिस्ट्री थी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की. तो आप देख रहे हैं ये जो आम का स्वरूप है सब में अलग अलग अलग, किसी में थोड़ा सफ़ेद है, किसी में पीला है, किसी में काला है. क्योंकि अगर बात पित्त कफ उसके अनुसार, जैसे एक और लेडी है इनको भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, तो बात ज़्यादा होता है तो काला होता है. कभी कभी हम देखते हैं कि यहाँ पे भी ऐसे काला सा हो जाता है ऊपर या कर, तो ये जो है काला जो कहीं पे भी होता है वो वायु के कारण ज़्यादा होता है, पीला है तो पित्त के कारण होता है और सफ़ेद है तो कफ के कारण. तो ये जो है अगर हम जो पचाते हैं वो हमारे टिश्यूज बनता है, जो नहीं पचाते हैं तो वो सड़ता है. जैसे पतीले में हमने नीचे केवल एक मोमबत्ती रखी तो वो खाना जो है पकेगा नहीं, तो वो चावल 24 घंटे के बाद सड़ने लगेगा. तो वो सड़ेगा, फर्मेंट होगा, उसमें एसिड्स बनेंगे, गैस बनेगी, बदबू आएगी. तो वही सब प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है कि क्या होता है कि गैस बनती है, वो सड़ता है खाना क्योंकि अग्नि से ज्यादा है तो वो पचा नहीं, तो ब्लोटेड स्टमक, पेट फूलता है, एसिड्स बनते हैं फर्मेंटेशन के कारण, तो एसिडिटी होगी, हार्ट बर्न. और ये अब स्पेशली देखें तो लोग क्या करते हैं कि एंड एसिड टैबलेट ही लेते हैं, पैंटोसिड ऐसे बहुत सारे आते हैं, और या ठंडा ठंडा दूध पी लेते हैं या जेलुसिल पी लेंगे. तो इससे क्या होता है, राहत उस समय तो मिल जाती है लेकिन लंबे समय तक ऐसे करने से वो हमारी अग्नि और मंद होती जाती है, क्योंकि वो हमारे जो नेचुरल एसिड प्रोडक्शन को वो दवाई जैसे पैंटोप्राजोल है वो कम करती है. और जो हमारा नेचुरल एसिड है वो हानिकारक नहीं है, ये जो एसिड बना है वो खाना नहीं पचने के कारण बड़ा बड़ा सड़ा, वो सड़ने से जो फर्मेंटेशन हुई उससे वो एसिड बना है. तो दोनों में बहुत भेद है. तो और ये ज़्यादातर ऐसी एसिडिटी खाने के बाद होती है, खाली पेट में नहीं होती. खाना खा लिया, स्पेशली हमने कुछ हैवी खाया, उसके बाद होती है. तो इससे आप समझ पाएंगे कि वो एसिडिटी जो हमारा प्योर एसिड है स्टमक का उसके कारण नहीं है और खाने के सड़ने के कारण है. फिर वायु होती है तो दर्द होती है पेट में, नौजिया होता है, क्योंकि बॉडी जो भी कुछ टॉक्सिन है उसको बाहर निकालना चाहती है. हम क्या करते हैं कि गोली ले लेते हैं वॉमिटिंग को सबसाइड करने के लिए ताकि हम फिर और खा सकें, बट बॉडी हमें सिग्नल दे रही है कि अपच है, खाना नहीं खाना है, तब हमें फास्ट करना चाहिए. और लेकिन हम वो अपने बॉडी के सिग्नल्स को ना सुनते हुए उसको सप्रेस करके खाने की कोशिश करते हैं. वैसे फीवर है वो भी एक आम होने का लक्षण है. तो टॉक्सिन्स बने इसलिए हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करती है, जो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में सेंटर है, तो वो उसको रेगुलर से प्रेस में हम एडजस्ट करते हैं ना कि कितना टेम्परेचर आपको कॉटन करना है या नायलॉन प्रेस करना है. तो वैसे ही एक थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है हमारे ब्रेन में, तो वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है ताकि वो आम पाचन हो सके, इन्फेक्शन को हमारा शरीर फाइट कर सके. लेकिन हम फीवर में भी खाते हैं और फिर पैरासिटामोल ले लेते हैं, तो वो गलत है. आयुर्वेद में लिखा है ज्वरे लंघनम, कि ज्वर में लंघन मतलब फास्टिंग करनी चाहिए. तो फिर अपान वायु, फार्टिंग होती है, ग्राउलिंग इन द स्टमक, गुड़गुड़ आवाजें आती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है. अब ये जो आम आपने देखा वो एक चिपचिपा पदार्थ है, एक जैसे म्यूकस होती है ऐसा, उसमें जैसे नाक से निकलता है उस प्रकार से उसमें एक चिपचिपाहट है,
तो वो अगर कभी कॉन्स्टिपेशन, हमेशा ऐसा नहीं कि हार्ड ही होता है, लेकिन वो ठीक से नहीं होना वो भी कॉन्स्टिपेशन में हम गिनते हैं। तो कभी स्टूल नरम होता है लेकिन निकलता नहीं क्योंकि उसमें चिपचिपाहट है। तो हम जाते हैं सुबह, थोड़ा होता है, फिर हम नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, फिर एक और बार जाना पड़ता है, कभी तीसरी बार भी जाना पड़ता है, और सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता कि पेट अच्छे से साफ हुआ। तो ये सब आम के लक्षण हैं। और जो मल है हमारा स्टूल, वो पानी में डूब जाता है। तो मैं कई बार ऐसे मजाक करती हूँ कि वेस्टर्न टॉयलेट का यही एडवांटेज है कि वैसे तो ठीक है, जो नहीं बैठ सकते स्क्वाटिंग पोजिशन में उखड़ू करके नहीं बैठ सकते, उनके लिए तो यही घुटने में तकलीफ हो। अदरवाइज उसमें यह है कि मल परीक्षा हो जाती है। आयुर्वेद में लिखा है कि मल परीक्षा कैसे करना, कि मल को पानी में डालना है, तो अगर मल तैरता है तो वो निराम है, यानी कि उसमें आम नहीं है, वो हेल्दी है। और मल अगर डूब गया तो इसका मतलब उसके अंदर आम है। इसलिए मैं कई बार बच्चों को भी मजाक में बताती हूँ कि ये जो वेस्टर्न टॉयलेट है ना, हमारा मल आसन, अगर आप योग में देखेंगे तो मल आसन कैसा है, स्क्वाटिंग नीचे ऐसा बैठते हैं इंडियन टॉयलेट में, वो आसन का नाम ही मल आसन है। तो अगर हम ऐसा इंडियन टॉयलेट, वो पॉस्चर गलत है, उससे हमारा जो पेल्विक मसल्स हैं वो सही प्रकार का उसका एंगल नहीं बनता है, और हमें कॉन्स्टिपेशन में बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती, उल्टा और बढ़ती है। तो ये इसमें हम मल परीक्षा हो जाती है हमारे जो वेस्टर्न टॉयलेट में, उतना ही उसका एडवांटेज है। फिर बर्पिंग भी होती है, खट्टे डकार आते हैं, मुंह में टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग आते हैं कि हमको मुंह में अजीब सा टेस्ट आ रहा है, कड़वा टेस्ट आ रहा है, मेटालिक टेस्ट आ रहा है, बहुत हम अलग अलग टूथपेस्ट यूज करते हैं, माउथ वॉशेस यूज करते हैं, नहीं ठीक होता। तो उसमें प्रॉब्लम मुंह में नहीं है, प्रॉब्लम गट में है, मतलब इंटेस्टाइन। तो क्योंकि पाचन नहीं हो रहा, वो आम टॉक्सिन बन रहा है, क्योंकि जो हमारा इंटेस्टाइन मतलब जो गट है पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, वो मुंह से लेकर शुरू होकर फिर अन्न नली है, फिर पेट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे रेक्टम तक है वो। तो जो हमारा अंदर है वही यहाँ पर है। तो हम जीभ की परीक्षा भी, जो हम बोलते हैं जीभ दिखाओ, तो उसमें बहुत कुछ, आप रोज खुद भी अपना जीभ रोज ब्रश करने के बाद और टंग क्लीनर यूज करना चाहिए, उसके बाद रोज आप शीशे में जीभ देखिए, तो उसमें अगर सफेद सफेद परत जमी हुई है टंग क्लीनर से साफ करने के बाद भी, इसका मतलब वो एक रिफ्लेक्शन है जो अंदर हो रहा है, उसका एक मिरर है। तो अंदर भी ऐसा ही आम है जैसे आपने कोलोनोस्कोपिक इमेज में अभी देखा। और मॉर्निंग सिकनेस, मतलब बिना प्रेगनेंसी के मॉर्निंग सिकनेस होती है, यानी सुबह उठते हैं तो ऐसा जीसा मतलाता है, अच्छा नहीं लगता, ये सब लक्षण है कि आपके शरीर में आम है, यानी कि खाना पच नहीं रहा। ऐसी अवस्था में अगर आप और भी भारी खाना खाएंगे तो वो अपच और बढ़ाएगा, अग्नि को और मंद करेगा। जैसे कि हवन की छोटी सी अग्नि है, उसमें हमने बड़ा लकड़ा डाल दिया तो वो ईंधन है, लेकिन वो उल्टा उसको बुझा देगी। और वही अगर हमने गीला लकड़ा डाल दिया तो डेफिनेटली बुझा देगी। तो उसी प्रकार फूड जो है हमें स्ट्रेंथ देना चाहिए, लेकिन अगर वो हमारी अग्नि से अधिक है तो उल्टा हमारी स्ट्रेंथ खींच लेता है, क्योंकि टॉक्सिन बनाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भर पेट खा लेते हैं और सोचते हैं ये तो न्यूट्रिशियस है, या कुछ जैसे अभी बादाम है, काजू है, इस प्रकार से कुछ भी हेवी फूड है, बहुत न्यूट्रिशियस है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, HDL जो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाते हैं, हमारे ब्रेन के लिए अच्छे हैं, सब कुछ है, हमारे जॉइंट के लुब्रिकेशन के लिए अच्छा है, प्रोवाइडेड आप उसको पचा सकें। अगर आप उसको पचा नहीं सकते, उस अवस्था में आपने उसको खाया, तो वो केवल आपको ये टॉक्सिन्स ही देने वाला है। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं वो केवल हमारे इंटेस्टाइन में नहीं रहते, वो हमारे पूरे शरीर में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो उसके कुछ कुछ सिम्टम्स कैसे होते हैं कि सुबह सुबह उठते हैं तो ऐसे कंधा दुखता है, और मतलब पैर दुखता है, पहला स्टेप आप जमीन पे रखते हो तो पैर दुखता है, फिर कुछ स्टेप चलने के बाद आपको ठीक हो जाता है, फिर डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि फलाना ये वाला सोल का आप शू पहनो, या आपकी हड्डी बड़ी है इसमें पैर, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, आम है। आप फास्टिंग करो, आप हर्ब्स लो अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एक्सरसाइज करो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, तो वो आम का पाचन हो जाएगा, तो टॉक्सिन्स धीरे धीरे। तो वो ऐसा क्यों होता है कि कभी होता है कभी नहीं होता, या कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, क्यों? क्योंकि जब हमारे टॉक्सिन्स ज्यादा होते हैं और टॉक्सिन्स बनते हैं, वायु बनता है ज्यादा, तो वो पेन बढ़ जाता है और फिर वो कम हो जाता है, और फिर और सिम्टम्स होते हैं कि सुबह से उठते तो छींक आती है या नाक बंद होता है, फिर सूर्य उदय होता है, हम अपना काम पे लगते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, वो भी ठीक हो जाता है,
जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर पूरे दिन रहेगा। फिर कॉन्स्टिपेशन की हमने ऑलरेडी बात की कि कभी कभी ऐसा नहीं है कि हार्ड है लेकिन फिर भी ठीक से क्लियर नहीं होता है और दो तीन बार जाना पड़ता है और पेट में ऐसा सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग नहीं आती, फिर थकान लगती है, कभी कभी स्किन में इश्यू होते हैं तो डैंड्रफ होती है, मुंह पर पिंपल्स होते हैं, एलर्जीज होती हैं। तो एलर्जी हमें पहले नहीं थी, है ना, धूल तो हर जगह है, पोलन भी है, लेकिन हमको कभी पहले नहीं थी बचपन, अभी एलर्जी हो गई। तो ऐसा क्या था कि पहले पृथ्वी पे पोलन नहीं था या धूल नहीं थी या लोगों को कई बार दूध नहीं पचता, गेहूं नहीं पचता या अमुक नट से एलर्जी होती है, पर पहले खाते थे तो प्रॉब्लम वो उस वस्तु में नहीं है। हम उस वस्तु को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, एलर्जी टेस्ट करवाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उस वस्तु में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है कि हम वो पचा नहीं पा रहे हैं इसलिए वो टॉक्सिन बन रहे हैं। तो डेफिनेटली उस समय तो हमें वो बंद करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने सिस्टम को ठीक करना है ताकि हम उसको पचा पाए। तो ये टॉक्सिन्स और जैसे लंग्स में जाएंगे तो एलर्जीज, ब्रोंकाइटिस करेंगे, एस्मा करेंगे, निमोनिया कर सकते हैं, कोविड हो सकता है, बिकॉज ये जो आम है वो बहुत अच्छा ब्रीडिंग मीडियम है बैक्टीरिया के लिए, वायरसेस के लिए, फंगस के लिए। लेडीज में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर फैटी लिवर हो सकता है, वेट इश्यूज, वेट बढ़ जाता है, वो सब आम का उसका कारण है। गाउट, यूरिक एसिड का बढ़ना, अगर पित्त के साथ ज़्यादा उसका अनुबंध है तो वो यूरिक एसिड का फॉर्म लेता है, कफ के साथ है तो वो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म लेता है या ब्लड शुगर बढ़ाता है। थायराइड इश्यूज हैं, ये सब मंद अग्नि के रोग हैं। और फिर डिप्रेशन दो प्रकार से हम उसको समझते हैं, एक होता है रिएक्टिव डिप्रेशन और एक होता है एंडोजेनस डिप्रेशन। रिएक्टिव मतलब कुछ सिचुएशन है हमारे बिजनेस में, हमको कुछ लॉस हुआ है या घर में कुछ लॉस हुआ है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है तो हम डिप्रेस होते हैं, ये स्वाभाविक है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ज़्यादातर ये मिडिल एज और अबाव में देखा जाता है कि, और लेडीज में आफ्टर मेनोपॉज, इवन मेन में एंड्रोपॉज के बाद, कि बिना कारण से अच्छा नहीं लग रहा, बस मन अच्छा नहीं है और कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, खराब ख्याल आते हैं, नींद खुल जाती है, रात को नींद आ जाती है पहले लेकिन फिर अर्ध रात में नींद खुल जाती है, फिर ऐसा लगता है कि वॉशरूम जाना है लेकिन जाके आते हैं फिर वापस नींद नहीं आती है। तो वो प्रॉब्लम हमें ब्लैडर में प्रॉब्लम नहीं है कि वॉशरूम जाना है, पर क्योंकि नींद खुल जाती है तो एक वो होता है कि चलो वॉशरूम जाके आते हैं। तो ये सब जो है शरीर में आम के लक्षण है। एक रीसेंट सर्वे हुआ था जिसमें देखा कि लगभग 20% भारत में जो है लोग, उनको डिप्रेशन है, ये एंडोजेनस, उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, बट मेरा गेस ये है कि उसमें बहुत सारे केसेस एंडोजेनस, यानी कि ये जो हमारे बॉडी में आम बढ़ जाता है उसके कारण ये जो आम है वो हमारे सब चैनल्स को ब्लॉक करता है, हमारे रेस्पिरेटरी को ब्लॉक करता है, तो जिससे नाक बंद होता है या कफ है गले में, पेट में तो आपने देखा ही वो ब्लॉक करता है तो ठीक से पेट क्लियर नहीं होता, फिर पूरे यहाँ पे हमारे मसल्स में, इसमें तो सुबह सुबह उठते हैं तो पूरा ऐसा जकड़ा हुआ लगता है, ये सब है। और साथ ही साथ जो हमारे सूक्ष्म जो चैनल्स हैं ब्रेन में भी, जो हमारे साइनाप्सिस हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं एक नर्व से दूसरी नर्व को मैसेज भेजने के लिए, तो वो केमिकल्स में फेरफार होती है, उसमें अबनॉर्मैलिटी आती है और जो वो वायु है वो ठीक से जो संचरण होता है वायु का, तो पांच वायु है, प्राण वायु हमारे ब्रेन में है, उससे हमारी क्रिएटिव थिंकिंग है, हमारा एनालिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, हमारी नींद होती है, हमारे ये सब जो है हमारे प्राण वायु के अधीन है। तो अगर ये बैलेंस रहेगी तो ये सब फंक्शन बहुत अच्छे से होंगे, और जैसे ही उसमें इम्बैलेंस आता है तो थिंकिंग हमारी बिना बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, नींद नहीं आती या बहुत ड्रीम्स आते हैं, हल्की नींद होती है और डिस्टर्बिंग ड्रीम्स, ऐसा कुछ है ही नहीं अभी सिचुएशन लेकिन ऐसा। तो ये सब जो है इनडाइजेशन से, अगर आप नेट पे पढ़ेंगे गट ब्रेन एक्सेस है, हमारा गट मतलब इंटेस्टाइन और ब्रेन, इसका एक संबंध है, इस पर बहुत रिसर्च हुई है। तो अपच जो है बहुत कुछ कर सकती है, और आजकल इवन गांव में भी, हाँ हमने देखा कि कॉमनेस्ट डिजीज जो हम अपने चैरिटेबल वर्क में देखते थे वहां पर है डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। तो मैं जब दिल्ली से यहाँ आई तो मुझे लगा कि गांव में तो बहुत लोग स्वस्थ होंगे लेकिन उनका भी जीवन बिल्कुल इसी प्रकार से हो गया है, तो उनको भी आम है, कोई फिजिकल वर्क करना नहीं चाहता है,
और मैदा यहाँ तक आ गया है. तो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, कोलेस्ट्रॉल जो हमारी आर्टरीज में जम जाता है, वो भी वही आम का ही स्वरूप है. फिर डायबिटीज, इंडिया नंबर वन हो गया डायबिटीज में. तो इसमें क्या है कि ये डायबिटीज आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये हमारा सेल है और सभी सेल्स को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है. यहाँ पर एक दरवाजा होता है जिसको हम इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं, है ना, जैसे खुल जा सिम. तो उसमें जब कैसे खुलता है, जब वो इंसुलिन वहां पर अटैच होता है तो ये दरवाजा खुल जाता है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर जाता है, सेल हम उसको यूज कर सकता है. पर जब आम होता है शरीर में, वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है टॉक्सिन, वो हर जगह जाके हमारे शरीर में चिपक जाता है, तो वो इसको ढक देता है, तो ये खुलता नहीं दरवाजा. तो इंसुलिन होने के बावजूद वो नहीं खुलता है, उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो कई बार पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं, इंसुलिन पे होते हैं 5 यूनिट, फिर 10 यूनिट, 15, 20, 40 यूनिट, फिर भी नहीं ठीक होता उनका. क्यों? क्योंकि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है. तो वो आम है, तो वो इंसुलिन आप इंजेक्शन बाहर से भी दे रहे हो तो भी वो काम नहीं कर रहा है. तो उस दरवाजे को आपको खोलना है, वो आम को हटाना है, तभी वो इंसुलिन वहाँ अटैच कर पाएगा और वो ग्लूकोज अंदर जा पाएगा. वरना वो ग्लूकोज यूरिन में ही निकलता जाएगा और पेशेंट को वीकनेस लगेगी, इतना हाई शुगर होगा, फिर भी वो सेल्स उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. एक और मिथ ये है कि B12 डेफिशिएंसी, आजकल लगभग सभी को B12 डेफिशिएंसी है और ये सब डॉक्टर्स कहते हैं कि B12 जो है हमारे वेजिटेरियन डाइट में नहीं होता, तो आपको कुछ नॉन वेजिटेरियन सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा, B12 भी गोली लेनी पड़ेगी. अधिकांश गोली से भी नहीं होता तो फिर इंजेक्शन लगाना पड़ता है. तो इसका कारण क्या है? अभी हमारे जो पूर्वज थे वो तो सदियों से वेजिटेरियन थे कई, और कभी उनको ऐसे इंजेक्शन लगाना नहीं पड़ा. तो ये जो B12 है वेजिटेरियंस में, वो जो हमारे इंटेस्टाइन के हेल्दी बैक्टीरिया है वो बनाते हैं. जो हमारा इंटेस्टाइन है उसकी जो अंदर की परत है, जो म्यूकोसल लाइनिंग है, वहां पर अच्छे बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलाई होते हैं, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया है, वो बनाते हैं. लेकिन अब आम जैसे आपने देखा वहां पर कोलोस्कोपी में, एक वो चिपचिपा टॉक्सिन है और वो पूरी उसको परत को ढका है उसने, तो वो जो अच्छे बैक्टीरिया की क्वांटिटी कम हो जाती है और खराब बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं. और साथ ही साथ जो आपने खाने में खाया या आपने टैबलेट भी ली B12 की, तो वो अब्जॉर्ब नहीं होगी, वो परत जो है तो उसके थ्रू अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए आपको B12 के इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप डेफिशिएंट रहेंगे. तो आम जो है हम कह सकते हैं एक राक्षस के जैसा है. वो सभी डिजीज, एक मतलब पेट की खराबी से लेकर निमोनिया से लेकर, बुखार से लेकर, कोई भी प्रकार के इन्फेक्शन से लेकर, कैंसर तक, हर बीमारी, और ऑटोइम्यून बीमारियां भी आजकल बहुत बढ़ रही हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, ऐसे बहुत सारी हैं जिनकी ट्रीटमेंट भी नहीं है आजकल. और उसमें केवल हम इम्यूनोसप्रेसेंट एलोपैथी में या स्टीरॉयड ही दे पाते हैं. तो ऐसी सब बीमारियां हम छोटे थे तो पढ़ते थे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन आज हम उसमें ये ऐड कर सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, स्पेशली फॉर समथिंग दैट हैज नो क्योर. तो इसलिए प्रिवेंशन इम्पॉर्टेंट है. तो ये आम जो हम प्रार्थना करते हैं, सर्वे संतु निरामयाः, कि सभी निराम हो, मतलब बिना आम के हों. तो आम वो एक टॉक्सिन है, इसलिए जो आप खाते हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना पचाते हैं और कितना अब्जॉर्ब करते हैं. तो अब कैसे आम ना हो, उसके थोड़े से टिप्स हैं कि अपने स्टमक को पूरा नहीं भरना. आजकल हम सोचते हैं भर पेट खाओ, हजमोला से बचाओ, ऐसा नहीं है. आपको 3 कोने ही भरने हैं आपके पेट के. अगर आप मानो ये पेट है तो 3 quarters यू शुड फिल विद फूड एंड लीव द अदर क्वार्टर एम्प्टी फॉर द मूवमेंट ऑफ द फूड. जैसे आप पतीले में खाना ऊपर तक नहीं भर के बनाते, आप पकाते हो तो थोड़ा पौना रखते हो उसको हिलाने के लिए, तो उसी प्रकार आपको पूरा नहीं भरना है. और उसमें से जो 4 quarters हैं, 1/4 एम्प्टी है, हाफ सॉलिड है और 1/4 लिक्विड. यानी कि अगर आप कुछ खा रहे हैं, सूखा है, खाकड़ा है, पराठा है या पोहा है, उसमें पानी की मात्रा नहीं है, तो उसके साथ आपको उससे आधा थोड़ा कुछ पानी चाहिए, तो आप छाछ ले सकते हो या ग्रीन टी ले सकते हो या गर्म पानी ले सकते हो खाने के साथ. लेकिन ऑलरेडी अगर आपके खाने में बहुत तरल पदार्थ है, काफ़ी सारी दाल है, सूप है, कड़ी है, तो फिर आपको खाने के साथ पानी की आवश्यकता नहीं है. तो ये अनुपात, ये हमें प्रोपोर्शन बना के रखना है, तो ही अच्छा खाना पकेगा. क्योंकि अगर जैसे आप चावल है, उसमें नाप होता है कि एक कटोरी चावल पका रहे हो तो
दो कटोरी आप पानी डालोगे, अब उसमें आप 10 कटोरी पानी डालोगे तो कैसे होगा, वो अग्नि वो नहीं पका पाएगी। उसी प्रकार अगर आप ज्यादा पानी पी रहे हो खाने के साथ, वो भी ठंडा पानी पी रहे हो, तो वो तो अग्नि को मंद करेगा और वो उससे हार्म होगा। तो छोटी छोटी बातें जैसे कि खाने के बाद पानी नहीं पीना या खाने के साथ अत्यधिक पानी नहीं पीना, उतना करने से ही हम देखते हैं डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो उनको ऑलरेडी इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम होनी शुरू हो जाती है। और कैसे पता चलेगा कि 3/4 भर गया, अभी अंदर एंडोस्कोप डाल के तो देखेंगे नहीं कि अभी कितना भरा है, तो उसमें हमको डकार आती है। अगर ध्यानपूर्वक हम खाना खाएंगे तो चबा चबा के तो एक सूक्ष्म डकार आती है, ऐसे ऐसे आवाज़ नहीं आती जो हमारे साथ बैठकर उस वाले को उसको नहीं सुनती, केवल हमको सुनाई देती है। और वो हमको भी तभी सुनाई देती है जब हम ध्यानपूर्वक खाएं। अगर हमारा ध्यान मोबाइल में है, टीवी में है, बातें करने में है, तो हम वो मिस कर देंगे। तो इसलिए आयुर्वेद में कहते हैं तन मना भुंजीतः, पूरा उसमें लग्न होकर जैसे एक यज्ञ है हम कर रहे हैं ना, अहम वैश्वानर भूत्वा हमने कहा, तो वो उस एक बहुत ही पवित्र एक क्रिया है जो हो रही है, अंदर अपनी को हम तर्पण कर रहे हैं, तो हमें उसमें पूरा ध्यान देकर खाना चाहिए। तो एक प्रोवर्ब है कि वन क्वार्टर ऑफ व्हाट यू की व्हाट यू ईट कीप्स यू अलाइव एंड द अदर टू क्वार्टर्स कीप्स योर डॉक्टर अलाइव, कि जो 1/4 हम खाते हैं वो हमें जीवित रखता है, बाकी जो 3/4 हम खाते हैं वो हमारे डॉक्टर को जीवित रखता है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर अधिकांश लोग इतना ज्यादा खाते हैं कि उसका शायद 1/4 खाएं तो उनका निर्वाह हो जाएगा, बाकी जो है वो आम बनाता है और वो डॉक्टर की का पोषण करता है। और चबा चबा के खाना चाहिए। लोगों को आजकल सब व्यस्त हैं, आप सब एंटरप्रेन्योर्स हैं तो आप बोलेंगे बिजी हैं, टाइम नहीं खाने का, लेकिन जो इतना सब आप कमा रहे हैं वो अगर आपकी सेहत ही नहीं होगी तो उसके लिए आप खाने के लिए 15-20 मिनट निकाल लीजिए और शांति से बैठ कर आपको खाना है चबा चबा के। ड्रिंक योर सॉलिड्स, इतना चबाना है कि वो सॉलिड है आपकी रोटी है वो लिक्विड हो जाए, उसको आप पीजिए, उसको ऐसा निगलना नहीं है, उसको इतना तरल कर देना है, क्योंकि हमारे जो सलाइवा है उसमें एंजाइम्स हैं, तो आधा पाचन तो इधर ही हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। अगर आपने ऐसे ही निगल लिया तो वो पचता नहीं है, हमारी आंतों में कोई दांत नहीं होते तो वो उसको पचा नहीं पाती। जैसे हम सब्जी को बारीक काट देते हैं तो जल्दी पक जाती है, उसको मिक्सी में प्यूरी करके पकाते हैं तो और भी जल्दी पकती है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है। और अगर एक ऐसी चीज है आज के युग में जो मैं कहूँगी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है हर प्रकार की बीमारी के लिए, हमारी लो इम्यूनिटी के लिए, हमारे डायबिटीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और कैंसर के लिए, वो है मैदा। तो मैदा जो है सबसे घातक वाइट पॉइजन उसको कहते हैं। तो ये बहुत कुछ मैदा से बनता है आपको पता है सब। और चीज जो है, ये तो पिज्जा है तो मैदा है ही, लेकिन चीज भी बहुत पचने में भारी है। तो अगर आपका पाचन कमजोर है, आपको कोई भी इस प्रकार की बीमारी है जो मैंने सब उल्लेख की, डायबिटीज ये वो, उसमें आपको ये नहीं खाना चाहिए। मैदा तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ मैदा बिल्कुल सफ़ेद होता है अगर आप देखें तो, जो गेहूँ है वो थोड़ा उसमें हल्का सा एक पीला या ब्राउन कलर है, बट जो मैदा है वो बिल्कुल सफ़ेद है। तो उसको सफ़ेद करने के लिए ब्लीच किया जाता है, और वो जो ब्लीचिंग एजेंट है वो क्लोराइड ऑक्साइड है, जिससे एक एलोक्सैन नाम का पदार्थ बनता है, जो हम जब MBBS पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे जब ड्रग ट्रायल्स होते हैं तो कोई भी न्यू डायबिटिक ड्रग आता है तो पहले उसको चूहों पर या गिनी पिग्स पर वो किया जाता है, ट्राई किया जाता है ह्यूमंस में लेने से पहले। तो जो एनिमल ट्रायल्स हैं, तो चूहे को तो डायबिटीज है नहीं तो पहले उसको डायबिटीज करना पड़ता है, फिर एंटी डायबिटिक हम उसको ड्रग दे के ट्राई करते हैं। तो वो उसको डायबिटीज कैसे करते हैं, एलोक्सैन का इंजेक्शन देके उसको डायबिटीज करवाते हैं, उसका पैनक्रियाज डैमेज कर ले। तो ये जो मैदा है उसमें ऑलरेडी एलोक्सैन बन रहा है, तो हम वो अपना पैनक्रियाज डैमेज करने वाला केमिकल नित्य प्रति खा रहे हैं। एक और मिथ है कि मल्टीग्रेन हम ब्रेड खाएंगे ना तो फिर वो अच्छी है, या ब्राउन ब्रेड खाएंगे। तो हम बहुत सारे बड़े बड़े बेकर्स को मिले हैं, हमारे पेशेंट्स भी हैं और वैसे भी मिले हैं, वो बोलते हैं ये सब आई वॉश है। ब्राउन ब्रेड मीन्स ब्रेड विद ब्राउन कलर एंड बेसिकली इट हैज मैदा। और बिना मैदे के मल्टीग्रेन भी होता है, तो वो जैसे नरुआ कुंजरुआ था ना कि अश्वत्थामा मर गया तो कौन था वो स्पष्ट नहीं कहते, तो अगर आप फाइन प्रिंट में देखोगे तो ज्यादातर मल्टीग्रेन ब्रेड में भी 80-85% मैदा होगा,
2-4% ओट्स होगा, ज्वार होगा, इस प्रकार से होता है, क्योंकि वो जो फ्लफीनेस है और वो स्पॉन्जीनेस है वो आती ही नहीं मैदे के बगैर, क्योंकि मैदे में है ग्लूटेन। आप वीट का अगर आप दाना देखें तो ऊपर से जो उसकी परत है वो ब्रैन है जिसमें विटामिन रहते हैं और फाइबर रहता है, और अंदर का जो पदार्थ है वो वाइट होता है, चिकना होता है। वो जैसे हम रुमाली की रोटी बनाते हैं तो उसका आटा ऐसे खींचते हैं तो वो टूटता ही नहीं है, ऐसे गोल गोल घुमाते भी हैं तो वो टूटता नहीं है, रबरी की कंसिस्टेंसी होती है। तो जब वो बाहर ही ऐसा टूटता नहीं है तो हमारी इंटेस्टाइन में भी वो टूटता नहीं है। और आजकल ग्लूटेन के ऊपर बहुत बात चल रही है कि वो कितनी सारी एलर्जीज और कई बीमारियों में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए मैदा जो है सबसे हानिकारक। एक और कॉन्सेप्ट है विरुद्ध आहार का, जो हम जो एलोपैथी पढ़ते हैं उनको ये नहीं पता होगा। हम केवल बात करते हैं एलोपैथी में बैलेंस डाइट की, कि इतने कैलोरीज होने चाहिए, इतना विटामिन होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, ये सब मिनरल्स होने चाहिए। तो अभी बेस्ट एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट का। हम यू नो यूजली होटल्स में जाते हैं तो ऐसा कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट मिलता है, उसमें चाय और कॉफी भी है, साथ में दूध भी होता है, फल भी होते हैं, जूस भी होता है, ब्रेड भी होती है, चीज होती है, ऑमलेट होता है, एग होता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है विरुद्ध आहार का। तो विरुद्ध आहार आयुर्वेद में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि दो पदार्थ हैं, दो खाद्य पदार्थ हैं, दोनों बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन जैसे हम उन दोनों को मिला देते हैं वो विरुद्ध हो जाते हैं, इट्स एन एंटीजेनिस्टिक कॉम्बिनेशन। तो उससे टॉक्सिन्स बनते हैं और वो हमारा शरीर उसको नहीं बचा सकता है। और इसकी लिस्ट बहुत लंबी है चरक संहिता में, लेकिन अगर मैं आपको कॉमनली जो हम करते हैं ऐसी गलतियां वो बताऊं तो दूध के साथ सब विरुद्ध होता है, दूध के साथ फल विरुद्ध है। तो अगर आप फ्रूट सैलड खा रहे हैं वो विरुद्ध आ रहा है, मिल्क शेक पी रहे हैं, हमने बचपन में बहुत केला दूध खाया और बाद में मुझे समझ आया शायद मेरी बीमारियां शायद इससे शुरू हुई होंगी। और तो फ्रूट सैलड, मिल्क शेक विरुद्ध आहार के एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम दूध के साथ खट्टा नहीं खा सकते, तो कभी हम जाते हैं पार्टी में और कड़ी भी होती है, साथ में खीर भी होती है या बासुंदी भी होती है, तो वो विरुद्ध आहार है। कभी कभी हम पोहा खाते हैं, उसमें थोड़ा नींबू डाला होता है, बटाका पोहा, फिर साथ साथ हम दूध का ग्लास पी रहे होते हैं, तो ये सब विरुद्ध आहार के एग्जाम्पल। दूध के साथ फ्रूट, दही, खट्टा, फ्रूट, नमक, नॉनवेज, ये सब विरुद्ध हैं। और लिखा हुआ है शास्त्र में कि इनसे खाने से क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो दूध को हम अनाज के साथ मिक्स कर सकते हैं, तो जैसे खीर है वो विरुद्ध नहीं है, दूध के साथ आप रोटी खा सकते हो, जो जिस भी अनाज की आप खाते हो उसमें नमक नहीं होना चाहिए रोटी में, वो आप खा सकते हो, दूध में दलिया डाल सकते हो, दूध में ओट्स डाल सकते हो, चावल डाल सकते हो, पोहा डाल सकते हो, वो विरुद्ध नहीं है, पर ये जो बाकी सब चीजें मैंने बताई वो विरुद्ध आहार है। तो ये जो आम बनता है हमारे शरीर में वो आपने देखा कि हमने आहार की तो भी काफी सारी बात की, लेकिन तीन प्रकार से ये बनता है। तो पहले मैं बताऊंगी एनालॉजी ली है, ये एक लेक है और लेक में गंदा पानी भरा हुआ है, इसे हमें साफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो इनलेट है उसको हमें बंद करना है, तीन रास्ते से वो पानी अंदर आ रहा है, उन तीनों को हमें बंद करना होगा। फिर जो धूप है और हवा है उस पानी को सुखा देंगे, अंत में जो थोड़ा कीचड़ रहेगा उसमें हम सूखी रेत डालेंगे और एक हमारा ड्राई बेड तैयार होगा। तो ऐसे ही आयुर्वेद में कहा, यह एनालॉजी यूज करते हैं अपने शरीर के लिए, कि आपने देखा टॉक्सिन्स सारे भरे हैं शरीर में, अलग अलग बीमारियां हैं, तो ये इसमें भरा है, अब इसको हमें साफ करना है। तो ये जो इनलेट है इनको बंद करना है। वो इनलेट हमारे शरीर में क्या है, आहार, विहार और विचार, ये तीन, जो गलत आहार, गलत विहार और गलत विचार। तो आहार है हमारा डाइट, विहार मतलब लाइफस्टाइल, तो आप लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज आ गई, आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, या उसका उल्टा रेस्ट ही नहीं मिलता, वो भी एक गलत है, या वेग धारण, आपको जो हमारे शरीर के वेग हैं जैसे यूरिन जाने की इच्छा होती है, स्टूल पास करने की इच्छा होती है, प्यास लगती है, पानी पीने की इच्छा है, भूख है, उसको सही समय पे हम नहीं करते हैं, उसको कहते हैं वेग धारण। और आयुर्वेद में पूरा एक चैप्टर है उससे क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो लाइफ स्टाइल में और आ गया एक्सरसाइज, नींद भी, एलोपैथी में केवल ये बात है कि 6-8 घंटे आपको नींद चाहिए, आप कभी भी ले लो, आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, दिन में सो जाओ, वो कभी भी उससे कॉम्पनसेशन नहीं होता है। तो जो रात की नींद है
वो ही श्रेष्ठ है। और जितना आप रात को देर से जागोगे उतनी आपकी जठराग्नि मंद होगी, उतना शरीर में वायु बनेगा, उतनी इम्यूनिटी कम होगी, उतना आपका बॉडी का स्टीरॉइड सेक्रेशन बनेगा, आपकी बोन्स कमजोर होंगी, आपको एलर्जीज होंगी, आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वैसे ही दिन में अगर आप सो जाते हैं तो उससे आपकी अग्नि मंद होकर और आपका पाचन खराब होकर और हार्म बनेगा। आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि आप खाना खा के अगर संडे के दिन सो गए तो जब उठते हैं और खासकर आपने हेवी खाना खाया तो आपको लगता है अरे नाक बंद है और शरीर जकड़ा हुआ लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो आम बनता है, दिन में कभी सोना नहीं चाहिए और रात को देर तक जगना नहीं चाहिए। ये बेसिक रूल है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये एक फैक्टर है जो हमने आहार विहार और विचार जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आजकल हम कई पेशेंट्स हमारे सेंटर में आते हैं, उनका डाइट भी परफेक्ट होता है, लाइफस्टाइल एक्सरसाइज भी बहुत करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मन शांत नहीं है, जिस भी कारण से डिस्टर्बेंस है, इमोशनल डिस्टर्बेंस। उनका कभी भी डायबिटीज ठीक नहीं होता, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे सेंटर में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि न केवल हम आपको समझाते हैं कि आपकी शरीर की क्या प्रकृति है, क्या दोष है, उसके अनुसार आपको क्या खाना है, क्योंकि हमारी बॉडी टाइप्स भी अलग अलग होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको माइंड को कैसे काम रखना, पीसफुल रखना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी बीमारी के लिए। और इस सबसे भी अगर ठीक नहीं होता, पानी अगर मान लो 100 फीट भरा है, आपने इनलेट तो बंद कर दिया, लेकिन धूप और हवा को तो कई साल, शायद पूरी जिंदगी भी लग जाएगी उसको सुखाते सुखाते, और आप उसको सोचो कि मैं रेत डाल डाल के उसको सुखाऊंगा तो वो नहीं संभव है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है कि उसको हमें बाहर निकाल देना पड़ता है एक पंप लगाकर। तो वो है पंचकर्म, कि हम उस टॉक्सिन को, पांच कर्म है आयुर्वेद में, बताइए आयुर्वेद की स्पेशलिटी है कि उसको बाहर निकाल देते हैं। तो उसमें वमन होता है, उल्टी करने की क्रिया होती है, विरेचन है, दवाई पिलाकर डायरिया करवाते हैं, और बस्ती यानी कि एनेमा। तो ऐसा नहीं है कि केवल जैसे पेट साफ करने का एनेमा होता है एलोपैथी में, इसमें अलग अलग हर्ब्स यूज किए जाते हैं, अलग तेल होते हैं, इसका पूरा फॉर्मेट होता है, यूजली 8 से 10 दिन उसके लगते हैं। तो ये दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट बैलेंस इन द सिस्टम। थोड़े से और भी मिथ्स हैं जो मैं बताना चाहूंगी। हम पानी के बारे में सोचते हैं कि मोर इज बेटर, यू नो, कि जितना पानी पियो अच्छा है, आपकी किडनी फ्लश आउट करेंगी। और लोग दिन में 4-4, 5-5, 10-10 लीटर पानी पीते हैं, 10-15 बार यूरिन को जाते हैं, तो ये बहुत खराब गलत बात है। जब आपको प्यास हो तब आपको पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद ने स्पष्ट लिखा है कि प्यास के अनुसार ही पानी पीना चाहिए। ज्यादा पानी पियेंगे तो जठराग्नि मंद होगी। हमारे जठर है में अग्नि जो है उस पर आप पानी डालेंगे, वो भी ठंडा पानी, तो बहुत ही लीथल है। तो एक्सेसिव वाटर नहीं पीना। हमारे ब्रेन में जैसे एक सेंटर है, ऑस्मो रेगुलेटरी सेंटर है हाइपोथैलेमस में, जहाँ पे थर्स्ट सेंटर है। तो हमारे अगर हमको पानी की कमी होती है, हमारी ऑस्मोलैरिटी ब्लड की बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टिमुलेट होता है, तो हम वो थर्स्ट लगती है और हम पानी पीते हैं। तो बॉडी ने बहुत नेचर ने इंटेलिजेंट सिस्टम फिट करके रखा है। तो केवल आयुर्वेद ने लिखा कि सुबह उठ के हमें जो है पानी पीना चाहिए, वो एक हमारा रूटीन होना चाहिए। मतलब उसमें भी 8 अंजलि, मतलब इतना ही अंजलि है दोनों हाथ मिलाकर, तो ऐसे 8, तो आपका हाथ का साइज जितना है उसके अनुसार आप एक बार 8 गिन लीजिए। यूजली 3 ग्लास या 2-3 ग्लास पानी होता है, तो उतना आप सुबह उठ के पी लीजिए। और उससे क्या होता है कि कोलन क्लेंजिंग भी अच्छे से हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ भी नहीं होती, और वो भी गुनगुना हो तो और भी अच्छा। लेकिन उसके बाद आपको जब प्यास लगे तभी पानी पीना है, और जबरदस्ती बिना प्यास के पानी नहीं पीते रहना है। खासकर ये एक श्लोक है जिसमें लिखा है, ज्वर यानी कि फीवर में कुष्ठ यानी कि क्रॉनिक स्किन डिजीज जैसे सोरायसिस है, और नेत्र रोग, उदर रोग, मंद अग्नि जिसमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, प्रतिशय कोल्ड है, आपका नाक से पानी बह रहा है, और बहुत डिबिलिटेटेड कंडीशन है, बहुत सूख गया है कोई, मधुमेह, डायबिटीज। आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि डायबिटीज में पानी नहीं पीना है। इसमें बोला कि अत्यधिक नहीं पीना है, मतलब प्यास से ज्यादा जबरदस्ती का पानी नहीं पीना है, क्योंकि डायबिटीज में क्या ऑलरेडी मंद अग्नि है, और उसमें आप जबरदस्ती पानी पी रहे हो, उसमें प्यास ज्यादा होती है, क्योंकि यूरिन में शुगर निकल रहा है तो ऑटोमेटिकली प्यास ज्यादा लगती है, उसको रिप्लेनिश करना पड़ता है। तो इसलिए हम उसमें सबसे पहले ऐसे हर्ब्स देते हैं जिससे ये जो अबनॉर्मल प्यास है वो कंट्रोल हो। और घर में एक सिंपल सा नुस्खा है, आप सूंठ और धनिया का पानी उबाल कर पी लीजिए,
तो उससे आपकी अग्नि भी अच्छी होगी, पेट का पाचन भी अच्छा होगा, साथ ही साथ ये जो एक्स्ट्रा तृष्णा है, प्यास है, उसको भी कम करेगा। तो जो ऑलरेडी मंद अग्नि और पानी पी पी के, जैसे हम कुछ तला हुआ खाते हैं सुबह, बहुत प्यास लगती है, तो क्योंकि आम बनता है तो वो प्यास लगती है, तो इसलिए ये अगर आप एक सूंठ धनिया का पानी पिएंगे उससे अग्नि भी अच्छी होती है। और अजीर्ण भेषज बीमारी, अगर आपको अजीर्ण है, अपच है, तो केवल गर्म पानी पीजिए, वो आपको दवाई का काम करेगा। खाना मत खाइए, केवल लुकवार्म पानी पीजिए। और जीर्ण बारी मलप्रदम, कि जब खाना पच गया, मतलब खाने के 1.5 घंटे के बाद अगर आप थोड़ा पानी पीते हैं या 2 घंटे के बाद पीते हैं, तो वो आपको बल देगा। और भोजन चामृतम बारी, कि भोजन के बीच में आधा खा के थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा सा, वो आपको रेशियो याद रखना है 2:1:1, तो बीच में खाने के बीच में थोड़ा सा पानी पीना है, पानी या छाछ। और भोजनांते विषप्रदम, कि भोजन के अंत में पानी पिया तो वो विष के समान है। लोग खाना खा लेते हैं पूरा, उसके बाद पीते हैं पानी, तो दैट इज लाइक पॉइजन, सो खाने के बाद पानी नहीं पीना है। दूसरा एक मिथ है कि जो रिफाइंड ऑयल बहुत हेल्दी है, कि रिफाइंड ऑयल खाएंगे तो हार्ट डिजीज नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। तो पहले के जमाने में ऐसे कोल्हू का बैल होता था, ऐसे जो आप देख रहे हैं कि वो उसमें ये जो भी हमारा वो है, तिल हो या मूंगफली, जो भी पदार्थ है उसको हम पीस के तेल निकालते थे। उसके बाद ऐसी घानी आई जिसमें वही काम बैल के बदले मोटराइज हो गया, वो मशीन करती थी। लेकिन आजकल हम घानी का तेल नहीं खाते, आजकल हम खाते हैं मार्केट का रिफाइंड ऑयल, जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती हैं, और वो जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से निकलता है, मतलब उसको केवल पीस कर नहीं निकाला जाता, क्योंकि जो पीस कर निकाला जाता है उसका जो रेजिड्यू ऊपर बचता है, जो खल रहता है उसको, वो हम पहले पशु को खिलाते थे, उसमें थोड़ा ऑयल रहता था। लेकिन अभी कंपनीज को पूरा 100% प्रॉफिट चाहिए, और तो वो सॉल्वेंट, जैसे हमारे कपड़े पर तेल गिर जाता है तो हम उसको ड्राई क्लीन करते हैं, तो वो हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम, इस प्रकार के सॉल्वेंट्स आते हैं, इसे केमिकल से वो 100% ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद उसको डीगम करते हैं, रिफाइन करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, ब्लीच करते हैं, फिल्टर करते हैं, डिओडराइज करते हैं। आप देख रहे हो कितने केमिकल प्रोसेसेस इसमें होते हैं, और फिर आपको सुपर मार्केट में ऑयल आता है, और उसकी शेल्फ लाइफ बहुत होती है, आप सालों साल उसको रखो, कुछ नहीं होता आपको। वेर एज घानी का, कच्ची घानी का फ्रेश आप तेल निकालो तो रखो 2-3 महीने में वो थोड़ा बिगड़ने लगता है, क्योंकि वो फ्रेश चीज़ है। जैसे आप रोटी रखोगे, एक दिन तक चलेगी, दूसरे दिन तक उसके बाद उसमें फंगस आ जाएगी, क्योंकि वो प्राकृतिक वस्तु है, अच्छी है। यही आप बिस्किट खाओगे एक पैकेट का, वो 6-6 महीने आपके बिस्किट सही पड़ा रहेगा, बट क्यों? क्योंकि उसमें वो केमिकल डाला है, एंड वी आर इंजेस्टिंग ऑल दोस केमिकल्स एंड डैमेजिंग आवर हेल्थ। अभी उसमें और भी एक नया केमिकल एड किया, DMPS। आज आप प्लीज घर जाके अपना ऑयल का पैकेट देखिए, वो उसमें लिखा होगा कंटेन्स DMPS, दिस इज अ हाईली टॉक्सिक केमिकल, डायमिथाइल पॉलीसाइलोक्सेन, व्हिच हैज बीन एडेड टू रिड्यूस द फोमिंग, स्लैथरिंग एंड एब्जॉर्प्शन बाय फूड। एक एडवर्टाइजमेंट भी आता है कि तेल तल रहे हैं और कि आपका तेल की जो खपत है साल में इतने 4-5 लीटर या 10 लीटर कम होगी, क्योंकि जो DMPS है वो एक परत बना देता है आपकी भूमि पर या जो भी आप तल रहे हो, कि वो ऑयल अब्जॉर्ब ना करे खाना, पर ऑयल की को अब्जॉर्ब ना करे उसके बाद, वो आप ऑयल कम खाने के चक्कर में आप एक केमिकल खा रहे हो जो कार्सिनोजेनिक है, विच कैन कॉज कैंसर। घी इज ऑल्सो अनदर थिंग, बहुत इस पे घी नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। एंड टू मेक इट शॉर्ट, द आंसर इज दैट जो ये सब रिसर्च हुई है वो बाहर की कंट्रीज में हुई है, वहाँ पे जर्सी होल्स्टीन काउ है जो आप देख रहे हैं बिल्कुल अलग है, और जो हमारी इंडियन काउ है उसका, उससे जो घी बना है वो अमृत के समान है, उस पर भी बहुत कुछ रिसर्च हुई है, वो भी आपको नेट पे मिल जाएगी। दैट इज A2 मिल्क एंड घी, एक्सेलेंट फॉर हेल्थ, एंड डेफिनेटली जो दूसरा जर्सी का घी या दूध है वो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। फिर आयोडाइज सॉल्ट हम सोचते हैं बहुत हेल्दी है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 30-40 सालों से सभी आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं, और थायराइड की बीमारियां भी एकदम बढ़ रही हैं। तो इसका क्या आंसर है? आंसर ये है कि दैट इज नॉट गुड, एंड वो बनता है सी सॉल्ट से, समुद्री नमक से बनता है, उसमें आयोडीन डाला जाता है, उस पर भी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी है। बेस्ट है सिंधा नमक, जो रॉक सॉल्ट है, पत्थर से आता है, उसका नाम ही सिंधा है क्योंकि वो सिंध के पहाड़ों के पत्थर से आता था, या लाहौरी नमक की लाहौर के पत्थरों से आता था। तो वो उसमें लो सोडियम है, ज्यादा पोटेशियम है, उसमें ट्रेस एलिमेंट्स भी है, मैंगनीज, जिंक एक्सेट्रा, और वो गर्म नहीं पड़ता है, तो हमारी आंखों के लिए अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, और बीपी के लिए अच्छा है।
शुगर के बारे में है कि शुगर तो वाइट पॉइजनस ज्यादातर लोग जानते हैं और अवॉइड करना चाहिए, लेकिन उसके बदले वो ये सब यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट्स जो कि बहुत घातक केमिकल्स हैं। इसमें पूरी लिस्ट है जस्ट इन शॉर्ट की ये सब जो है सैकरिन, सुक्रोज, एस्पार्टेम, लीकोल, ये सब बहुत हार्मफुल केमिकल्स हैं। द टू नेचुरल वंस आर स्टीविया एंड ज़ाइलिटोल, ये जो है नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, सो दीज कैन बी यूज। और एक और भ्रांति है कि हनी नहीं खाना चाहिए डायबिटिक्स को, तो ये भी एक गलत बात है। हनी डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा होता है प्रोवाइडेड वो प्योर हनी हो और मिलावटी नहीं हो, मोस्टली बाजार में मिलावटी मिलता है तो। लेकिन अगर प्योर हनी है तो कफ के लिए अच्छा है, वेट रिडक्शन के लिए अच्छा है, कोई भी स्वीट चीज वेट बढ़ाती है लेकिन हनी वेट को कम करती है। आपको खांसी है, बलगम है तो भी अच्छा है और ये डायबिटिक्स के लिए भी बिल्कुल अच्छा है। केवल उसको गर्म नहीं कर सकते आप, उसको गैस पे गर्म नहीं कर सकते, उसके साथ कुक नहीं कर सकते, बेक नहीं कर सकते। जब पीने लायक वस्तु हो जाए, थोड़ी ठंडी हो जाए, मतलब गुनगुनी हो, तब आप उसको मिलाकर उसको ले सकते हैं। और लास्ट है दही। दही का भी हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, उसमें लैक्टोबैसिलस होता है तो जरूर खाना चाहिए, लेकिन ये भी एक जरूर होता है उसमें लैक्टोबैसिलस, ये बात सही, लेकिन आयुर्वेद में उसका निषेध बहुत बताया गया है। तो जो हेल्दी है उसके लिए भी बताया गया है कि हमेशा नहीं खाना चाहिए, हर ऋतु में नहीं खाना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए, वसंत ऋतु शरद ऋतु में नहीं खाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद दही नहीं खाना चाहिए। तो ये सब तो हेल्दी आदमी के लिए, और जो बीमार है उसको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जैसे जिसको कफ है, जिसको एनीमिया है, जिसको हर्पीस है, यूरिक एसिड है, फीवर है, बलगम है, चक्कर आ रहे हैं, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, शरीर में सूजन है, डायबिटीज है, जोड़ों का दर्द है, इन सबको नहीं खाना चाहिए। और इसके बदले छाछ पी जा सकती है, छाछ और दूध, सॉरी छाछ और दही जो है बिल्कुल ऑपोजिट बताए गए हैं आयुर्वेद में। तो दही हमारे चैनल्स को ब्लॉक करता है, वेरस छाछ हमारे चैनल्स को खोलता है। और डिफरेंस ये है कि सही प्रकार से छाछ बनाने का कि एक कटोरी दही में चार कटोरी पानी, 1:4 डाइल्यूशन है, और केवल चम्मच से मिलाना नहीं, उसको अच्छे से मथना है। आप हाथ के जो बिलोनी होती है उससे मथिए, या इलेक्ट्रिकल इतना अच्छा नहीं है बट जैसे भी आप कर रहे हैं, वो जो चर्निंग प्रोसेस उतना होना चाहिए कि उसका बटर सेपरेट हो जाए। और बेशक आप बाद में बटर खा लीजिए, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एक्शन हो जाए फिर हम उसे लें तो वो हमारे चैनल्स को ब्लॉक नहीं करता है और वो फायदा करता है। प्लस ऑफकोर्स उससे जो कि लैक्टोबैसिलस वो सब एडवांटेजेस होते हैं।